गुस्सा करने से पहले सोचिए। बाड़े की कील एक गुस्सेला लड़का गुस्सा में बोला गया शब्द। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गुस्सेला था, छोटी छोटी बात पर अपना आप खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीले ठोकना चाहते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से अगर आपको कुछ ज्ञान मिला है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऐसे ही ज्ञान कथा कहानी सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।